प्रशासन गांव के संग बिहार में ग्राम पंचायत आत्री की गरीब बीपीएल महिला रुक्मिणी देवी अपनी दोहिती द्रौपदी के साथ पहुंची। उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने जब रुक्मिणी देवी को समस्या के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरी दोहिती द्रौपदी के माता पिता का देहांत हो चुका है, उसके बाद से ही उसका एक रिश्तेदार लालन पालन व पोषण के नाम पर पालनहार योजना का फायदा ले रहा है, जबकि उसके माता पिता की मृत्यु के बाद से ही रुक्मिणी देवी खुद ही उसका लालन पालन कर रही है, जिस पर शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने शिक्षा समाज कल्याण आईटी विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर चालू पालनहार को बंद करवाया और नवीन पालनहार रुक्मिणी देवी के नाम से स्वीकृत करवाया। साथ ही रुक्मिणी देवी के 4 साल पहले फोत हुए पति का इंतकाल भी दर्ज करवाया गया। इस पर रेलवे फाटक संख्या 1 के पास स्थित एक लोहे के पोल को असंतुलित ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने से पोल एक साइड में झुक गया और मोहल्ले की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। वार्ड नंबर पार्षद मनोज पारिक ने बताया कि रात्रि करीब 3 बजे ट्रक की टक्कर से जोरदार धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद मैंने विद्युत निगम के एक्सीएन धीराचंद शिवराण को फोन किया। उन्होंने कर्मचारियों को भेजकर विद्युत पोल से जुड़े घरों की विद्युत आपूर्ति बंद करवाई। उसके बाद दिन में काफ़ी मशक्कत के बाद विद्युत पोल लगाया जा सका, क्योंकि सड़क पक्की थी और नए पोल को लगाने में काफ़ी दिक्कतें आई। पार्षद मनोज पारिक ने बताया कि सीमेंटेड सड़क के कारण विद्युत पोल रोकने में काफ़ी देरी हुई। वहीं दुर्घटना में ट्रक नाले पर चढ़ गया और एक टायर भी उसका क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक लोडेड था। 3 बजे का ट्रक जो सुजानगढ़ बस स्टैंड से लाड़नों की तरफ जा रहा था, उनका कोई संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण लोहे के पोल से टकरा कर और नाले में चढ़ गया। कोई दुर्घटना तो नहीं घटी है। रात को 3 बजे हमने एक्शन साहब धीराचंद जी को कॉल किया तो धीराचंद जी ने लाइट कटवा कर फिर जो खंबे से संबंधित जो घरेलू कनेक्शन है वो तो है बंद और बाकी कनेक्शन चालू करवा कर लाइट को तुरंत प्रभाव से चालू करवाया। और ये धन्यवाद के पात्र हैं धीराचंद जी, जो रात को भी हम 3 बजे कभी हम फ़ोन कर लेते हैं तो एक्टिव रहते हैं। धीराचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे एक्टिव एक्शन साहब हमें सुजानगढ़ में तो कभी नहीं देखा नहीं है। गांव जिले के पास बुधवार की रात हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना पुलिस को इस हादसे की रिपोर्ट शिव सिंह पुत्र जमान सिंह निवासी गांव गोंदू से ने देकर बताया है कि 13 अक्टूबर की शाम को मेरे पास फोन आया कि जिले के पास संजू सिंह व भवानी सिंह का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर मौके पर जाकर देखा तो काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जबकि दोनों युवकों को एम्बुलेंस के जरिए सुजानगढ़ अस्पताल ले जाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष भी अस्पताल पहुंचे। प्रार्थी ने पुलिस को बताया कि साइड में चलती बाइक को अज्ञात ट्रैक्टर चालक द्वारा टक्कर मार दिए जाने से यह हादसा हुआ है। दोनों घायलों में से संजू सिंह निवासी गांव गोंदूसर को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायल भवानी सिंह का उपचार जारी है। पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह कर रहे हैं।